हमारे बड़े भ्राता परम पूजनीय गुरुदेव मंजेश कुमार शास्त्री जी आ चुके हैं पंडाल में, और बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हमारे कहने से और यहाँ तक आए हैं। रुक्मणी बोली है ब्राह्मण देव, देखा ही है कि कुछ बात हो भाई है। रुक्मणी बोली, पंडित जी बात वही है, हमसे ये कहे है कि खत भेज देना, खत के आधार पर हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे। ब्राह्मण देव बोले हैं, खत भेज दिया होगा, आ रहे होंगे घनश्याम। रुक्मणी बोली, पंडित जी खत अभी नहीं भेजा है, और ये खत लेकर रहे हैं, और खत को लेकर के तुम चले जाओ द्वारिका में। ब्राह्मण देव बोले, रुक्मणी पागल हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, और हमसे पैदल नहीं चला जा रहा है, और द्वारिका यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे। रुक्मणी जब रोई है तो ब्राह्मण देव को तरस आ गया। ब्राह्मण देव बोले, रुक्मणी कोई बात ना, खत लेको, पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। रुक्मणी ने खत लिखा है, कहा घनश्याम हमारा भाई जबरदस्ती हमारी शादी अपने साले से कर रहा है, हम मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हरिद्वार नहीं जाएंगे। और साफ साफ उस खत में लिख दिया है, ब्राह्मण देव जब खत को लेकर के चले हैं, और जब ब्राह्मण देव खत को लेकर के चले हैं, वृद्धावस्था बुढ़ापा थोड़ी दूर तो बड़े